अपनी गाड़ी का पहला ऑफ रोड था ये जो। तो ये है वो भारतमाला प्रोजेक्ट बन रहा है, देखिए भाई बिल्कुल ही रोड़े रोड़े हट गई है, बिल्कुल कच्चे रस्तों से होते हुए अपनी थार। गुड मॉर्निंग फ्रॉम माय होम टाउन, सारी तैयारियां हो गई है। तो आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, दिल्ली जाके हम लगवाने वाले हैं रूफ टॉप टेंट गाड़ी के ऊपर। तो निकलते हैं यार घर से, अभी मॉर्निंग के बजे हैं करीब 7:20, तो टाइम काफी हो गया, प्लान तो था 4 बजे निकलने का लेकिन लेट हो गए, अभी निकलते हैं। गांव का रास्ता बना और कंफ्यूजन हो गया यार, गांव में इधर उधर कच्ची कच्ची गलियों में भटकने लग गया, और सामने देख सकते हैं कुछ इस तरीके का रास्ता है यार। वैसे तो हाईवे भी जाता है लेकिन ये कोई एक मेरे को रास्ते में कहीं रुक के जाना है कोई दोस्त के पास, तो करके मेरे को अलग डायरेक्शन लेना पड़ रहा है। बाकी आपके लिए सरप्राइज भी आने वाला है बढ़िया सा, क्योंकि मैं गाड़ी के ऊपर लगवा रहा हूँ रूफ टॉप टेंट लगेगा तो भैया बहुत कुछ चीजें आने वाली है, तो आप ऐसे जुड़े रहे मेरे साथ। इसीलिए बोलते हैं कि गूगल पे 100% ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। एक तो पतली रोड, ऊपर से टूटी हुई है पूरी रोड, ये देख सकते हैं आप कितने बड़े बड़े खड्डे हैं यार। गाड़ी 20 की स्पीड में चल रही है, बढ़िया खेती है इस तरफ, देख सकते हैं आप कितना शानदार ग्रीन है। तो ये है वो भारतमाला प्रोजेक्ट बन रहा है, देखिए आगे की तरफ इधर रोडें तैयार हो रही है, आगे इस तरफ जाएगी ये हाईवे जो आगे गुजरात तक जाएगा, ये काफी बड़ा हाईवे बनने वाला है। ये अपनी गाड़ी खड़ी है और फर्स्ट ब्रेक लिया है, ये आगे की तरफ भारतमाला प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है इस तरफ। 9:00 8:50 हो गई और मैं करीब 7:20 पे चला था, तो अभी देखते हैं कब तक पहुंच पाएंगे। वैसे रुकते जाएंगे यार, पहुंचना तो मेरे को 11-12 था दिल्ली, लेकिन मैं कुछ ज्यादा ही लेट हो गया, और मुझे लगता है मैं और भी ज्यादा लेट हो जाऊंगा, और मुझे लगता है जहां तक मैं 3-4 के आसपास पहुंचूंगा। रावतसर नाम की जगह आई है रस्ते में, और यहाँ एक फेमस मंदिर है बाबा क्षेत्रपाल मंदिर, तो वहाँ मत्था टेक लिया है। यहाँ मेरे दोस्त भी रहते हैं वैसे, लेकिन अभी भी उनके पास मैं नहीं रुक सकता हूँ। अगर मेरे दोस्त मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनको बता दूँ, भाई आई एम सो सॉरी यार, लेट हो जाऊंगा, मेरे को पहुँचना है दिल्ली। तो निकलते हैं अभी यहाँ से रावतसर से। मेरा दोस्त रहता है ऐसे, देखो मैं पता नहीं ऐसे कितने कच्चे रस्तों से होते होते आ रहा हूँ, और रस्ते में एक ये स्कूल है, और इधर इस रोड पे आगे चल के उसका गांव आएगा, और ये आगे शायद रोड कभी बन जाएगी इन फ्यूचर में। अभी थोड़ी देर ड्राइव करते हैं यार ऐसे रस्तों से होते हुए, बिल्कुल सुनसान। इधर तो यार बड़ा टफ है यार जीवन, लेकिन अभी क्या ही कर सकते हैं, जाना तो पड़ेगा। भाई दोस्त को बोल दिया आने के लिए, कहाँ दिल्ली जा रहा था, कहाँ देखो कैसे रस्ते मिल गए हमें। ठीक है भाई, बिल्कुल ही रोड़े रोड़े हट गई है, बिल्कुल कच्चे रस्तों से होते हुए अपनी थार निकल रही है आगे। भाई इधर तो बम्पर ही टूट जाए, बड़ा गंदा सीन है यार, इधर बड़ा ही गंदा। यहाँ तो गाड़ी प्रॉपरली चलो 4x2 में चल रही है, यहाँ तो आराम से निकल रही है। अभी यार ये सारी सैंड है ना जो अपने बम्पर पे आ रही होगी। क्या यार मेरे भाई पंकज, कैसी लोकेशन पे रहता है तू? वो अपना जमींदार भाई, रस्ते देखो कैसे, कदा ऑफ रोड कर ले भाई, नीचे ले चल, यहाँ धोएंगे गाड़ी। थार तो निकल जाएगी 4x2 में भी आराम से। ओहो बहुत ऊंचा नीचा था, ये देखिए कंडीशंस पीछे के साइड में, तो भाई मिट्टी मिट्टी भर गई है। यहाँ देखो यहाँ किस तरीके से मिट्टी चढ़ी है गाड़ी पे फुल्ली। अपनी गाड़ी का पहला ऑफ रोड था ये जो हुआ है भाई, रोड ऐसी है, सड़क है ही नहीं, मिट्टी मिट्टी है बस। पहले की कंडीशन आपने देखी और अभी की कंडीशन देखिए, लगा रखा है लड़के को पहले आते ही सबसे पहले मैं पहले इसको वॉश करके दे भाई पक्का से। अभी बढ़िया हो गया यहाँ ना, क्या है कि ये इस तरीके की मिट्टी ज्यादा देखने को मिलती है। बाकी आज यार पहुंच गए हैं भाई के गांव में, कितने सालों पहले हम साथ रहा करते थे जयपुर में, 4 साल पहले साथ रहा करते थे। लभी बाकी देखो आस पास दूर दूर तक भाई कैसे इलाके में रहता देखो आप, इधर तो ये मिट्टी गिट्टी पे दिख रहे हैं इस तरह। तारीफ तो ऐसे कर रहा है जैसे चंडीगढ़ से कम नहीं है जगह। तो ये देखिए बॉर्डर आ गया है, राजस्थान खत्म और आगे यहाँ से हरियाणा शुरू हो जाता है ऑफिशियली, हिसार की बाउंड्री लग जाएगी यहाँ से, ये देख सकते हैं आप। अब जहाँ मेरे को गाड़ी देनी थी वो मेरा 11 तक मेरे को आज मॉर्निंग में मतलब गाड़ी देनी थी काम के लिए, लेकिन वो मेरा हुआ नहीं, लेट हो गया। एंड अभी मैं वहाँ, मुझे वो 7 तो बंद ही हो जाएगा,
तो मैं देखता हूँ, अगर खुला रहा तो गाड़ी दे दूंगा, अगर नहीं रहा तो फिर कल देते हैं। और गाड़ी की लुक कैसे आएगी, अभी तो मैं भी बहुत ज्यादा ना डाउटफुल हो रहा हूँ यार कि पता नहीं कैसे लुक आएगी गाड़ी की, कहीं ये भी ना हो कि नई गाड़ी है और ये सब चीजें कराने के बाद लुक बिल्कुल ही बिगड़ जाए। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई रूफ टॉप टेंट अच्छा लगता है, और जो मैंने टेंट चूज किया ना वो टेंट आपको मैं वहां जाके ही बताऊंगा। भाई ओवरलोड का नतीजा देखो, ओवरलोड करके रोड पे निकलना थोड़ा रिस्की हो जाता है। और मैं पहुंच चुका हूँ अभी हिसार, और ये है बाईपास आगे जो दिल्ली की तरफ जा रहा है, तो हमने ये ले लिया है बाईपास फाइनली। आज मेरी किस्मत बहुत ज्यादा खराब है, गांव के रास्ते, कच्चे रास्ते, टूटे फूटे रास्ते सब देख लिया मैंने आज के दिन में, तो अभी फाइनली जाके बेटर रोड मिली है तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो अभी फर्स्ट पास चलते हैं एंड जल्दी से दिल्ली पहुंचते हैं, अब दिल्ली दूर नहीं। क्रॉस कर लिया है, झज्जर पहुंचने वाले हैं, कई देर हो गई है कंटिन्यू ड्राइव करते करते, एंड मैप ने भी इस बार तो कंफ्यूज नहीं किया है, एक जगह कर दिया था पीछे कंफ्यूज, तो गांव के रास्तों में इतना भटका, लेकिन कैसे भी करके फिर हाईवे आया तब से बहुत बढ़िया है। अभी जो टाइम आ रहा है लगभग 7 बजे का आ रहा है, 7:05 पे मैं पहुंच जाऊंगा, वैसे 7 बजे वो ओप भी हो जाएगा, चल देख लेंगे कोई बात नहीं है। बाकी इस इधर का एरिया काफी अच्छा है, इस रूट पे मैं फर्स्ट टाइम आया हूं, मतलब इन रोड्स पे तो बढ़िया है, और अपनी थार की फर्स्ट लॉन्ग राइड है ये। एंड फाइनली पेट्रोल पंप की नीड पड़ गई है भाई अपने को, तेल खत्म हो गया। कौन से वाले मिले, इधर वाले में, ठीक है जी। तो वैसे तो अपनी एक टैंकी में आ गई है गाड़ी यहाँ तक, और अभी देखिए दोबारा से रिफ्यूल करा रहे हैं। ये अभी मैं हूँ करीब झज्जर के आसपास, झज्जर आएगा ना अभी, कितना का क्या है, 6 किलोमीटर। अच्छा, टैंकी लगभग 4000 में भर गई है, और 44 लीटर, 44.5 लीटर के आसपास तेल आया है। वैसे तो क्या है कि टैंकी में तेल था पहले से ही अवेलेबल था, देखिए अभी मैंने स्टे कर लिया, ये अपने नॉन का ही होटल है, तो यहाँ पे अपनी गाड़ी देखो बिल्कुल अंदर तक आ गई है। सबसे बढ़िया बात है कि अपनी इनसाइड पार्किंग हो गई है, बस तो ऐसे करके है ये जगह, ये ऊपर अपना रूम है, लेके चलते हैं अभी, गाड़ी अपनी अंदर ही आ गई है, तो सामान सारा हमने यहाँ पे रख दिया है। ये वाला रूम है यार आज का अपना स्टे इधर ही, और गाड़ी हम लेके आए हैं अभी साथ में, मॉर्निंग जाके भीमराव वालों को देके आएंगे, क्योंकि अभी इसमें सामान काफी पड़ा था, और रात को वहाँ पे खड़ी करने को प्रॉपरली जगह भी नहीं थी, तो हमने कहा कि चलो हम लेके चलते हैं होटल में, एंड मॉर्निंग वहाँ पे जाके छोड़ेंगे। तो उम्मीद करूंगा गाइस आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट दें, लव लाइफ, बाय बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, बड़ा खर्चा हो रहा है यार सब आप लोगों के लिए।